रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण दुनिया भर में गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। भारत के पास गेहूं के बफर स्टॉक होने की खबरों से इनकी कीमतों पर अब कुछ लगाम लगा है। भारत के पास फिलहाल 12 मिलियन टन निर्यात लायक गेहूं का स्टॉक मौजूद है। इस साल भारत दुनिया के उन देशों को गेहूं निर्यात करेगा जो पहले रूस और यूक्रेन से गेहूं लेते थे। इन देशों में दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं आयातक मिस्र भी शामिल है। दुनिया भर के खाद्य वस्तुओं पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में विश्व भर में रूस यूक्रेन युद्ध, अकाल और मांग के बढ़ने से भारी बढ़ोतरी हुई है। शिकागो में बेंचमार्क गेहूं का भाव 13.635 डॉलर प्रति बुशल के उच्चतम स्तर को पिछले महीने ही छू चुका है। भारत के गेहूं निर्यात करने से विश्व बाजार में गेहूं की सप्लाई बढ़ेगी। इस खबर से कीमतों में बढ़ोतरी थोड़ी रुकी हुई है। गेहूं निर्यात को लेकर भारत की गेहूं के सबसे बड़े आयातक मिस्र के साथ बातचीत होने लगभग फाइनल हो चुकी है। इसके अलावा चीन, तुर्की, बोस्निया, सूडान, नाइजीरिया और ईरान भी गेहूं लेने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। पिछले 10 महीनों में ही भारत के गेहूं निर्यात में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों में भारत को बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के अलावा अब अफ्रीका और मिडिल ईस्ट रीजन में भी निर्यात गेहूं के मौके मिलेंगे। भारत के गेहूं निर्यात करने से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गेहूं की सप्लाई कुछ सामान्य होगी। फिलहाल सप्लाई अभी बहुत कम है। भारत के गेहूं निर्यात करने की संभावनाओं ने ही कीमतों पर कुछ लगाम लगाई है। अगर भारत गेहूं निर्यात नहीं करता तो गेहूं की कीमतों में भारी उछाल आता। अब हालात ये हैं कि हर गेहूं आयातक देश भारत से गेहूं लेने पर विचार कर रहा है। भारतीय गेहूं को लेकर जितना उत्साह इस बार देखा जा रहा है ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है। भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। ब्लूमबर्ग सर्वे के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के पास निर्यात करने लायक 12 मिलियन टन गेहूं है। अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने 8.5 मिलियन टन गेहूं का निर्यात किया था। सप्लाई कम होने और गेहूं की कीमतें बढ़ने के साथ ही बहुत से देश पहली बार भारत से गेहूं का आयात करेंगे। पिछले साल फसली सीजन से भारत में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन हो रहा है। इस कारण भारत के पास गेहूं का पर्याप्त अतिरिक्त भंडार है जिसका वह निर्यात कर सकता है। इस बार का गेहूं कटाई सीजन भी अब शुरू हो गया है। इस बार भी रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।